Our final and one of the most awaited speakers for today is a profoundly concerned and active citizen. By profession, an economist who has over 45 years of experience in teaching and research and policy advice in Pakistan. Dr. Kesar Bengali has been politically active since his student days and co-founded the Pakistan's Liberal Students. He also co-founded the Pakistan Institute of Labour Education and Research and has been part of several campaigns for democracy, human rights, media freedom and women's rights. Among many of his celebrated writings include The Politics of Managing Water and A Cry for Justice, Empirical Insights from Balochistan. His profound knowledge and diverse experience, comfort with data, an insightful art of communication has brought many deserving issues to surface. We welcome you, Dr. Kesar. Please join us. Assalamu alaikum aur bahut shukriya. Khaas taur pe Ms. Anita aur Ajay ka mujhe yahan par daawat dene ka. I can see a very enlightened audience sitting in the hall. Pichle jab se main aaya hu baatein sun raha hu, very enlightened discussion, panel discussion ho rahi thi. Jo idea yahan pesh kiya gaya ye zikr to hota hai lekin pehli dafa ek coherent form mein pesh kiya gaya hai ki Tibet aur Gilgit Baltistan se lekar Keti Bandar tak aur ye pura saat ilaka jo hai ye ek darya ise jodta hai. Ek bahut purani kitab hai, main unka pura naam yaad, mere paas hai wo kitab, somebody by uska naam Abdullah hai, Sam Abdullah, unhone ek kitab likhi hai jo exactly isi idea ko इन्होंने प्रोपोगेट किया और बहुत सारी चीज़ें उसने बताई है कि कितना कॉमन है तमाम पूरे ये इंडस वासियों के. और एक कॉमन चीज़ उसने जो मुझे याद है इस वक्त, ये किताब मैंने कुछ 41 साल पहले पढ़ी थी, वो ये कि हम सब शलवार कमीज पहनते हैं, ये और न सिर्फ मर्द औरतें भी पहनती हैं, मतलब ये एक यूनिटी, कल्चरल यूनिटी है. बहुत सारी इस तरह की चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफाई की है इसमें. सो एक तो ये कि ये एक एंटिटी मौजूद है. लेकिन मैं भी जब जिस वक्त एंटर हुआ था कुछ थोड़ी देर पहले, तो मुझे गेट पे कुछ लोगों ने रोक के सवाल पूछना शुरू किया. उसने कहा, जी आप ये समझते हैं कि ये कोई वहाँ से यहाँ तक कोई एम्पायर बन पाएगा? तो मैंने कहा कि बात एम्पायर बनाने की तो नहीं हो रही है, बात तो ये है कि एक हारमोनी क्रिएट करें इन लोगों के दरमियान. रियासत भी अलग हो सकती है, सूबे भी अलग हो सकते हैं, लेकिन एक हारमोनी क्रिएट हो सकती है. जो पैनल डिस्कशन बहुत ही अच्छा था, इनलाइटन था, और उसमें जो बात सबसे खुल के आई, बात जो बुनियादी बात मैंने जिस चीज़ को लिया वो ये है कि यूनिटी और इंटीग्रेशन और हारमोनी जो है बाय फोर्स क्रिएट नहीं की जा सकती, ये वॉलंट्री है. और मैं बहुत पूरी मुल्क में ट्रैवलिंग का मौका मिलता है, चूँकि मेरा रिसर्च का करियर रहा है. रिसर्च के हवाले से हम डेटा कलेक्ट करने जाते थे. मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ. तो ये कहीं पाकिस्तान में अलहदा होने की ख्वाहिश नहीं है, कहीं भी नहीं है. यहाँ तक कि मुझे ये कहने दें कि बलूचिस्तान में भी नहीं है. मतलब इस तरह नहीं है कि हम जो हो जाए हम साथ नहीं रहेंगे. सो दी अगर हम जोड़ना चाहें सियासी तौर पे लोगों को, तो ये बहुत आसान होगा. और उसका उसकी जो बुनियादी चीज़ अगेन ये पैनल डिस्कशन में डिस्कस हुई है. डॉक्टर रियाज ने भी ख़ास तौर पे इस पे बात किया, उन्होंने इसी स्टिल हेयर और नहीं, वो ये है कि अगर आप लोगों को अपने राइट्स दें, आपने भी बात की गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, आप लोगों के वसाइल के हवाले से उनको हकूक़ दें, उनको बोलने की आज़ादी दें, उनको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की आज़ादी दें, तो कोई वजह नहीं है कि वो रियासत के ख़िलाफ़ काम करें या अलहदा होने की कोशिश करें. तो बुनियादी चीज़ ये है.
आपने कहा जी गिलगित बल्तिस्तान एक कॉलोनी है, मैं तो समझता हूँ पूरी पाकिस्तान एक कॉलोनी है, वी आर अ कंटोनमेंट कॉलोनी। हम एक कंटोनमेंट की कॉलोनी है और पूरा मुल्क कॉलोनी है। तो जो बात हो रही थी उस्ताद साहब भी कर रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, तो ये कंटोनमेंट से क्रिएट किए जाते हैं, चूँकि डिवाइड करके ही वो अपनी हुक्मरानी कायम रख सकते हैं। तो उनको उनकी ज़रूरत है कि वो डिवाइड करें, तफरीक पैदा करें, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करें, और फिर वो जब हो जाए तो कहें कि जी ये तो बहुत मुश्किल है, अब हमें कोई हार्श मेजर्स लेने पड़ेंगे, डंडे चलाने पड़ेंगे, वरना ये ठीक नहीं होगा। ये एक पैटर्न है इसका। तो ये ज़रूरी है कि एक जमहूरी निज़ाम हो, लिबरल निज़ाम हो। आपने कहा कि एक दूसरे की बात सुनने, समझने की और एक्सेप्ट करने की सलाहियत होनी चाहिए, यही तो हार्मनी क्रिएट करती है। अगर घर के फैमिली के अंदर भी आप किसी को बोलने न दें और चुप कर दें हर वक्त, तो वो चुप तो रहेगा लेकिन नाराज़ रहेगा, और जो नाराज़ घर का फ़र्द होता है वो फिर कंट्रीब्यूट नहीं करता मुस्बत तरीके से कहीं। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जो बात मैं इसको थोड़ी दूसरे अंदाज में भी करना चाहता हूँ वो ये कि अपने उस्ताद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, स्टेट की जो अहमियत की बात की है वो भी बहुत ज़रूरी है, और स्टेट का स्ट्रक्चर किस तरह का है वो भी बहुत अहम है। देखिए जंग जो है ना वो टीवी और रेडियो पे कौमी नगमे गा के नहीं जीती जा सकती, उसके लिए आपको एक फ़ौज का निज़ाम चाहिए, सिर्फ फ़ौज नहीं चाहिए पूरा निज़ाम चाहिए। जंग लड़ने के लिए सिर्फ वो शख्स वो फ़ौजी नहीं होता जो बंदूक लेके सड़क पे जाता है, उसके पीछे जो सप्लाई लाइन होती है वो भी बहुत अहम होती है। उसको मुस्तकिल खाना पहुँचाना, अगर जो मेडिकल यूनिट्स हैं उनको दवाई पहुँचाना, अगर बमबारी में मेरा जूता अगर डैमेज हो गया तो मुझे दूसरा जूता फौरन पहुंचाना, ये पूरी एक सप्लाई लाइन होती है फ़ौज के अंदर। वो अगर नहीं है तो आप जंग नहीं लड़ सकते, कितने ही बहादुर आपके फ़ौजी हो। अब मैं इसको बार बार कहता हूँ हर दफ़ा कि जंग लड़ने के लिए आपको टैंक्स चाहिए, आर्मर्ड कार्स चाहिए, फाइटर प्लेन्स चाहिए, ये सारे पेट्रोल पर चलते हैं, और पेट्रोल फॉरेन एक्सचेंज से आता है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट से आता है, और एक्सपोर्ट सिर्फ इंडस्ट्री देती है आपको। मईशत को बिठा के आप जंग नहीं लड़ सकते। तो हमारी यहाँ ये है कि मईशत बैठ गई है, मुकम्मल तौर पे बैरूनी कर्ज़ों के मोहताज है, और आप समझते हैं कि आप जंग भी लड़ने के लिए बात तैयार है, ये नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम हारमोनी की बात करते हैं, मुख्तलिफ़ जो लोग इंडस वैली में रहते हैं, जो अगर हारमोनी की बात करते हैं, सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें और नगमे और कल्चरल इवेंट्स से हम हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें वो रियासत के स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे जो लोगों की ज़रूरियात को पूरा करें। होमोजेनिटी हम में नहीं है, एक फैमिली के अंदर भी नहीं होती है। मैं एक बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा जो छोटा भाई है वो बिज़नेस में चला गया, वो पूरी फैमिली में वाहिद मिलियनेयर बन गया, लेकिन वो सिर्फ इंटर पास है। मैंने पीएचडी की है, मैं सबसे गरीब हूँ ख़ानदान में तो कभी पैसे नहीं बनाए हमने तो डाइवर्सिटी तो आपको हर जगह मिलेगी, मैं अपनी फैमिली में डाइवर्सिटी देखता हूँ तो लेकिन जब एक ट्रेन चलती है या बस चलती है और सब लोग उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, कराची में तो हम देखते हैं बस बहुत देर के बाद आई, बहुत लोग बस स्टॉप पे खड़े हैं, सब चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं चढ़ पाते, जो कमज़ोर होते हैं नहीं चढ़ पाते, ख़वातीन नहीं चढ़ पाती, बच्चे स्टूडेंट्स नहीं खड़े हो। आप बस स्टॉप पे खड़े रह के देखें, ख़ास तौर पे जब स्कूल ऑफ होता है बच्चे खड़े रह जाते हैं, बस आती है चली जाती है, बच्चे वहीं खड़े हो जाते हैं चूँकि वो पुश करके अंदर जा नहीं सकते। इसी तरह माशरे में हमेशा एक ऐसे तबके होते हैं, कितनी तरक्की हो रही हो, कितनी फास्ट तेज़ी से मईशत की गाड़ी चल रही हो, कुछ लोग नहीं चढ़ पाते उस पर। तो
तो उसके लिए आपको स्पेशल प्रोविजन करना होता है स्टेट को. स्टेट को सेंसिटिव होना पड़ता है कि हाँ ऐसे तबके हैं जिनको मखसूस तवज्जो की ज़रूरत है. ये जो अटेंशन है वो कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि किसी मोहल्ले में गलियों में क्या हो रहा है, और ये पता हो भी नहीं सकता. इसीलिए लोकल गवर्नमेंट की बड़ी इम्पोर्टेंस है. लोकल गवर्नमेंट की बातें बहुत होती है, लेकिन इसको हम सही तरह कभी नहीं इम्प्लीमेंट किया. जो फौजी हुकूमत इम्प्लीमेंट करती है वो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर इस तरह बनाती है, उनके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक सूबों को कमज़ोर करना और एक सियासी पार्टियों को कमज़ोर करना. तो जो कि मकसद नेगेटिव है वो सस्टेन नहीं करती. वो जैसे फौजी हुकूमत जाती है वो उसके साथ अपना लोकल गवर्नमेंट भी चला जाता है. लेकिन लोकल गवर्नमेंट की बड़ी इम्पोर्टेंस है. अब हमने रिवर्स में किया है, पंजाब ने और सिंध ने कचरा उठाने की कंपनी बना दी है. अब जो कराची में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कंपनी है कचरा उठाने की, उनको क्या पता है कि मीरपुर साकड़ों के किस गली में कचरा पड़ा है जो उठाने की ज़रूरत है, या थुल में कचरा है या चीचावटनी में कचरा है, उनको नहीं पता होगा. लोकल इश्यूज़ लोकली रिजॉल्व हो सकते हैं, और जब रिजॉल्व हो जाएंगे तो फिर नाराज़गी नहीं होगी. मेरे एक बड़ा लोकल इशू है, छोटा सा इशू है, मेरे सड़क पे पानी खड़ा है, वो मेरे बच्चे कीचड़ में चल के जाते हैं, और मैं मुझे पता नहीं मैं किससे शिकायत करूं, क्योंकि हुकूमत जो है वो बहुत दूर बैठी है और वहाँ तक मैं पहुँच नहीं सकता. तो मेरी फिर रिजेंटमेंट्स बनती है, छोटी छोटी रिजेंटमेंट्स जब जमा हो जाती है तो किसी एक वक्त आता है जब ये एक्सप्लोड करता है. लेकिन हमने जो लोकल गवर्नमेंट की सारी डिबेट है वो भी मेरे नज़र में हम गलत ट्रैक पे कर रहे हैं. मेरा ख्याल में लोकल गवर्नमेंट की जो मैं इस पे आता हूँ बाद में, लेकिन हाँ, लोकल गवर्नमेंट का जो मसला है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और उस साहब मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ स्पेशली, और एनी अदर लॉयर्स हुआ हियर. हमारे आईन में दो चैप्टर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट का एक चैप्टर है और लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक चैप्टर है. ये चैप्टर्स उनका स्ट्रक्चर, पावर्स और फंक्शंस डिफाइन करता है. ऐसा कोई चैप्टर लोकल गवर्नमेंट का नहीं है. एक लाइन में लिख दिया गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट लोकल गवर्नमेंट्स. हाउ दे विल डू इट, व्हाट स्ट्रक्चर, व्हाट पावर्स, व्हाट फंक्शंस, ये सारा लोकल गवर्नमेंट पे छोड़ दिया. वो नोटिफिकेशन से चीज़ें बदल देते हैं, मतलब कभी कभी वो पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबली में लॉज भी नहीं आता, अब तो नोटिफिकेशन से चीज़ें बदल जाती है. तो अगर हमने लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर की ज़रूरत है ऑन लोकल गवर्नमेंट. जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चैप्टर है जो उसके स्ट्रक्चर, पावर्स, फंक्शंस को डिफाइन करें, चाहे ब्रॉडली करें लेकिन कर दें. जब नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व होती है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज है, इसमें इलेक्शन होना ही होना है. लोकल गवर्नमेंट जब डिसॉल्व हो जाती है, आजकल सिंध में डिसॉल्व हो गई है, अगर 10 साल भी इलेक्शन ना हो तो कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है. तो ये स्ट्रक्चर ज़रूरी है. इसके साथ साथ एक और चीज़ हमारे यहाँ ज़रूरत है, और ये पूरे मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर लोकल इलेक्शंस. नेशनल या प्रोविंशियल इलेक्शन के लिए शायद ये इतना ज़रूरी ना हो, लेकिन लोकल इलेक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि लोकल लेवल पे एक 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 छोटा सा शहर है, उसमें दो तीन मोहल्ले हैं, और एक मोहल्ला एक मखसूस तबके का है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का है फॉर एग्जांपल, लेकिन वो अबाउट 10-15% ऑफ द टाउन्स पॉपुलेशन, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का पॉपुलेशन. जो इस वक्त हमारा निज़ाम है उसमें वो कभी उतना नुमाइंदा नहीं ला सकते हैं असेंबली में, और जो भी काउंसिलर इलेक्ट होगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा, जो उनके वोटर्स हैं इनको नहीं करेगा. तो ये वी हैव सीन, मैं इसको एक्सपीरियंस मैंने किया है, दे आर परमानेंटली डिसएनफ्रेंचाइज्ड, यानी परमानेंटली नॉन अनरिप्रेजेंटेड इन द डिसीजंस दैट आर मेड इन द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और एनीवेयर एल्स.
उनकी आवाज़ कभी पहुंचती नहीं है वहाँ पर। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये होगा, जिस 10% पॉपुलेशन भी है वो कम से कम एक शख्स को तो इलेक्ट कर पाएगा असेंबली में। सो इसमें रिप्रेजेंटेशन होगी। और ये बात भी पैनल डिस्कशन में आई है कि किस तरह की नुमाइंदगी आप करते हैं। आपने बात की गिलगित में किस तरह 8 लोग वफाक बाहर से हैं, 6 लोकल है और वो भी नॉमिनेटेड है, तो नुमाइंदगी तो है नहीं, आपने ले ली। तो ये नेशनल लेवल पे जमहूरियत इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रादर देन सेलेक्टेड गवर्नमेंट्स बहुत ज़रूरी है। सूबाई खुद मुख्तारी, 18वीं तरमीम, ये सारी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। फिस्कल ऑटोनॉमी जो मिली है 7th NFC से बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप्स हैं जो हमने एडवांस किया, आगे अपनी स्ट्रगल के साथ आगे बढ़े हैं। लेकिन जो और आगे जो बढ़ना है वो मैं समझता हूँ कि दो लेवल पे हमारी स्ट्रगल है। एक तो लोकल गवर्नमेंट मेरा ख्याल है इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और मैं इस पर भी राज़ी हूँ क्योंकि सिंध के कॉन्टेक्स्ट में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स जब तक कुछ बुनियादी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे अग्रीमेंट नहीं होता मुख्तलिफ तबकों में, इलेक्शंस मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा सिंध के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं ज़ाती तौर पर तैयार हूँ कि 5 साल कुछ नॉमिनेटेड लोकल गवर्नमेंट हो, लेकिन इंटीग्रेटेड लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। एक ही एजेंसी शहर के या उस गांव के तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व करे। इस वक्त कंप्लीट फ्रैक्चर है। बड़ी मज़ेदार कहानी है, जब मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने उनके चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने की सड़क बनवाई और बहुत अच्छी बनवाई, हाई क्वालिटी स्ट्रीट बनी, वो लैम्प पोस्ट भी लगे अच्छे खूबसूरत जो अभी तक लगे हैं। एक महीने के बाद KWSB ने आके उसका पूरा डिगअप कर दिया कि जी हमने तो लाइन डालनी है, कोई पता नहीं सुवेज की या पानी की। नाउ लुक एट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द स्टेट। तो एक मेयर हो एक शहर का या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन हो, उनको पास तमाम डिपार्टमेंट्स उनको रिपोर्ट करें ताकि ये जो फ्रेगमेंटेशन है वो ना हो। फिर हमने हमारे शहर में, अब वो कहते हैं कराची जो है वो अबाउट 26% और 30% जो है वो KMC के पास है, बाकी और इदारों के पास है जिसमें फेडरल है, आप कुछ कर नहीं सकते। और ये हमने एक्सपीरियंस किया है, जब हम कराची यूनिवर्सिटी में होते थे तो एक बहुत बड़ा वो था कि वहाँ से सीधा एक रास्ता एयरपोर्ट को जाता जो 15 मिनट में आपको एयरपोर्ट ले जाएगा, लेकिन वो फ़ौजियों की ज़मीन है, वो वहाँ से रास्ता नहीं निकालने देते। ये कराची ले लें, हैदराबाद ले लें और क्वेटा ले लें। क्वेटा तो बिल्कुल ही चोक्ड है, आप क्वेटा में कोई सड़क नहीं बना सकते, कोई एक्सपेंशन नहीं कर सकते। एक ओवरपास बना क्वेटा में जिस थोड़ी ऊपर से गुजारा, ज़मीन नहीं ली, ज़मीन नीचे कंटोनमेंट के पास ही है, ऊपर से गुजारा, उसमें भी फौज ने पैसे लिए। ये और बात है कि ज़मीन तो सूबाई हुकूमत की होती है, सूबाई हुकूमत को अपनी ज़मीन के पैसे देने पड़े। तो ये जो बुनियादी बात मेरा ख्याल है यहाँ सब लोग कर रहे हैं, रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज़ राइट्स, चाहे वो शख्स कितना कमज़ोर हो, कितनी छोटी सी कम्युनिटी हो, उनके भी राइट्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करें और उनकी आवाज़ मत दबाएं, सुने और एकोमोडेट करें। ये तो इसके बगैर तो कोई हारमनी नहीं हो सकती। और फिर ये कि स्टेट के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें बाकी स्ट्रक्चर्स हमने बनाए, 18th अमेंडमेंट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। खाली 18th अमेंडमेंट की अहमियत 73 की कॉन्स्टिट्यूशन बनने से भी ज़्यादा है मेरे नज़र में। वो तो एक बुनियादी चीज़ थी, लेकिन 18th अमेंडमेंट ने, 7th NFC ने फिस्कल स्ट्रक्चर जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक नई जंग आज़ादी भी लड़ने की ज़रूरत है। चूँकि हम कंटोनमेंट कॉलोनी में रहते हैं और एक आज़ादी की नई जंग लड़ने की ज़रूरत है। शुक्रिया। खामोश हूँ माने मैं नाराज़ हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं शिकायत कहाँ दर्ज कराऊँ। कैसे साहब, आप इतनी खूबसूरती और आसानी से चीज़ें बयान कर देते हैं, थैंक यू सो मच। अब हम इख्तिताम पे पहुँचे हैं,
बहुत बहुत शुक्रिया हर एक का, आप सबका, स्पेशली हमारे स्पीकर्स का, पोएट, सिंगर, हमारे फैसिलिटेटर्स, सपोर्टिव स्टाफ, आर्ट्स काउंसिल के सारे मेंबर्स जो सिंधु आर्ट्स फाउंडेशन से एसोसिएटेड हैं, और ख़ास करके जो यूथफुल और एनर्जेटिक वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने वो ब्लू टोपी भी पहनी है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. प्लीज़ आप हमें चाय पे ज्वाइन करें, एंड वी विश दैट दिस जर्नी इज़ जस्ट अ बिगनिंग एंड नॉट एन एंड. थैंक यू फ्रॉम रोजा एंड माई सेल्फ.